फ्रेंड्स, आई एम सुगंधा राठी। आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेकरेंस रिलेशंस। सो पार्ट टू, एज आई हैव सेड, कि हम पार्ट टू में कौन सा मेथड पढ़ेंगे, हम आइटरेशन मेथड पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का रेकरेंस रिलेशन का। ठीक है, सो जिन लोगों को डाउट है कि रेकरेंस रिलेशन क्या होते हैं या रिकर्शन क्या होते हैं, मैंने पार्ट वन में एक्सप्लेन किया है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो अब मूव ऑन करते हैं विद आइटरेशन मेथड के साथ। सो आइटरेशन मेथड में हम जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसमें हम लोग उसको कॉल करेंगे रिपीटेडली। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, tn = tn-1+1, एक सिंपल से एग्जांपल है। ठीक है, सो इसमें हमको tn-1 की वैल्यू नहीं पता है। सो tn-1 के लिए n को हम n-1 पुट करके सेम इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं, tn-1 क्या हो जाएगा, tn-2+1। ओके, ऐसे ही tn-2 की वैल्यू क्या होगी, tn-2 इसके जगह n के जगह n-2 रखो तो क्या हो जाएगा, tn-2 = tn-3+1। सिंपल। सो ये करने के बाद अगर हम इसकी वैल्यूज पुट बैक करते हैं टू द मेन इक्वेशन, हमको क्या मिलेगा, tn क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको पुट करो tn-1 की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, tn-2+1+1, tn-2+1+1। सो हमको क्या मिलेगा, tn-2+2। ठीक है, अब tn-2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, tn-3+1, इसके जगह वो वैल्यू पुट करो tn-3+1, एंड +2 ऑलरेडी था तो हमको क्या मिला, tn-3+3। ठीक है, ये कब तक करते हैं, अप टू tn-1 टर्म तक। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, tn-n-1 टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस tn-n-1+, अगेन यहाँ पे n-1 ही टर्म है तो यहाँ पे n-1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ओपन करते हैं n-n+1, n से n कैंसिल आउट हो, हमको मिला t1+n-1। ओके, सो हमको n तक आते आते तक क्या मिला, t1+n-1। सो मैंने क्या कहा था, हम इसको कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक हमको t1 की वैल्यू नहीं मिल जाती या हमको एक कांस्टेंट t1 नहीं मिल जाता। ओके, सो हमने वही निकाला है। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करा अप टू t1+n-1 तक, ये आया। ठीक है, सो t1 हमारे पास कांस्टेंट है एंड ये 1 हमारे पास कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट हुए। सो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिपेंडेंट किस पे होती है, n पे। सो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी डिपेंड करेगी इस n वैल्यू पे, तो n की मैक्सिमम पावर इज 1 ओनली। सो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आई बिग गो ऑफ n। सो फॉर दिस फंक्शन tn = tn-1+1, हमको कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिली, बिग गो ऑफ n। सिंपल। सो दिस इज द सिंपल आइटरेशन मेथड, कि हम उसको सॉल्व करते जाते हैं फंक्शन को अप टू t1 तक, एंड उसके बेसिस पे हम n के बेसिस पे हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, tn = tn-1+n। नाउ द फंक्शन fn इज हमारे पास n है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले tn-1 की वैल्यू निकालते हैं, तो tn-1 इसमें पुट करा, हमको क्या मिला, tn-2+n की जगह n-1, दोनों हुआ। अब tn-1 को जो वैल्यू निकली, ये वाली वैल्यू, इसको मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो tn = क्या हो जाएगा, tn-1 की जगह tn-2+n-1+n, ये आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करा तो आया tn-2+2n-1, तो दोनों इक्वेशन ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, अब tn-2 की वैल्यू हमको नहीं पता है, सो हम tn-2 की वैल्यू निकालते हैं, तो tn-2 इस इक्वेशन में पुट करने पे क्या हो जाएगा, tn-2 = tn-3+n-2, tn-3+n-2 आ गया। अगेन इसकी वैल्यू रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो tn = क्या आ गया यहाँ पे, tn-2 की जगह tn-3+n-2+n-1+n, tn-3+n-2+n-1+n आ गया। और इसी इक्वेशन में, इस वाले में रखेंगे तो भी हमारा सेम आंसर रहेगा इसी तरीके से। ठीक है, नाउ इसको कब तक सॉल्व करेंगे, अप टू tn-n-1 तक। राइट, हमने tn-1 निकाला, n-2 निकाला, n-3 निकाला, ऐसे कब तक निकालेंगे, tn-n-1 तक। ठीक है, सो tn-n-1 क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा वो t1। सो हमको यहाँ पे tn-n-1 प्लस, यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें एक वैल्यू
ऐड है, तो n-n-2 प्लस n-n-3 प्लस एंड सो ऑन, कब तक, जब तक हमको n नहीं मिल जाता. ओके, सो tn-n-1 इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, t1 प्लस इसको ओपन करें n-n+2, तो n से n कैंसिल आउट, तो हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक. एंड t1 की वैल्यू क्या है, इट्स अ कॉन्स्टेंट विच टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक. ये क्या होता है मैथ्स में, दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो ये आया हमारे पास n इंटू n प्लस 1 बाय 2. सो इसको सॉल्व करा, n स्क्वायर प्लस n बाय 2, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर. ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इस तरीके से, राइट. सो हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन टी एन माइनस 1 प्लस n की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर. ठीक है, सिंपल आई होप. सो लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज सिमिलर टू द जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने फंक्शन लिया था, 2tn/2 प्लस n. तो अब इसको आइट्रेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं, क्या हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. चलो लेट्स सी. ठीक है, सो फाइंडिंग, सबसे पहले tn/2 की वैल्यू निकाल के देखते हैं. n इक्वल्स टू n/2 रखा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो क्या हो गया हमारे पास, tn/2 इक्वल्स टू 2tn/2 का हाफ इज n/4 प्लस n/2 आ गया. इसकी वैल्यू tn/2 की वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो tn इक्वल्स टू 2 और इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, 2tn/4 प्लस n/2, इसको पुट करा tn/2 की जगह प्लस n करा, ब्रैकेट ओपन करा, ये आया हमारे पास 2 × 2 40n/4 प्लस n प्लस n, तो 40n/4 प्लस 2n. ओके, नाउ tn/4 की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो tn/4 को निकालते हैं, तो n की जगह n/4 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2tn/8 प्लस n/4. ठीक है, अब 2tn/8 प्लस n/4 इसकी वैल्यू अगेन पुट करें इस वाली इक्वेशन में, सो हमको tn क्या मिला, 4, tn/4 की जगह रखा 2tn/8 प्लस n/4 प्लस 2n ऑलरेडी था यहाँ पे, तो ये 2n आ गया. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करा, ओपन करे ब्रैकेट्स, 8tn/8 प्लस 3n ये मिला. अब हमारे पास इसको क्या देखते हैं, हमें पहले मिला था 2tn/4, 2 मिला, फिर सेकेंड आया हमारे पास 4, फिर थर्ड आया हमारे पास 8, नेक्स्ट आएगा 16, ऐसे कब तक आते जाएगा, 2 की पावर i तक, हम ith टर्म तक देखेंगे. ठीक है, तो हमको मिला 2 की पावर ith टर्म तक, तो 2 की पावर i tn अपॉन 2 की पावर i तक चलेगा, राइट. एंड यहाँ पे कितनी थी, 2 की पावर 3 को हम 8 दिखा रहे थे ना, सो 2 की पावर 3 इज 8, सो यहाँ पे ये 2 की पावर i इज, i हमारे पास क्या था 3, तो यही हमारे पास i जो है वो यहाँ पे आएगा, सो i इंटू n. ओके, सो ये हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म बन गई. ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन बन गई. सो अब फाइंड आउट करते हैं कब तक हमको निकालना होता है, हमने क्या बताया, जब तक हमको t1 नहीं मिल जाता. ठीक है, सो t1 के लिए हम क्या देखते हैं, t1 करने के लिए हमको इस वाली टर्म को इक्वल टू 1 करना पड़ेगा. सो हम मानते हैं n अपॉन 2 की पावर i इक्वल्स टू 1. ओके, सो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 की पावर i, log n क्या हो जाएगा, i log 2 बेस 2 विच इज 1 हो गया, तो i की वैल्यू क्या आ गई, log n बेस 2. क्लियर, सो हमने t1 निकाल लिया, तो t1 के लिए अब यहाँ पे पिछली इक्वेशन में देखते हैं, 2 की पावर i, तो 2 की पावर i हमारे यहाँ पे क्या निकला, n, सो 2 की पावर i हमारे पास n हो गया, t1 प्लस i की वैल्यू हमने log n निकाली और n हमारे पास ऑलरेडी था, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, n इंटू t1 प्लस log n इंटू n मिल गया. सो t1 क्या हुआ हमारे पास, कॉन्स्टेंट हो गया, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम उसका यूज नहीं है, तो यहाँ पे n हो गया, n प्लस n log n. सो अब n log n की वैल्यू इज ग्रेटर देन n, हम देखते हैं n की कौन सी वाली पावर या कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, उसके बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, राइट. सो हमारे पास n log n इज ग्रेटर देन मोर देन n, सो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, बिग ओ ऑफ n log n. सो हमने इसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी जब सॉल्व करा था, सो हमारे पास बिग ओ ऑफ n log n आई थी, और हमने आइट्रेशन मेथड से भी सॉल्व करा, हमको मिली बिग ओ ऑफ n log n. सो दोनों मेथड से हमको सेम आंसर मिल रहे हैं, जस्ट दैट मेथड चेंज थे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं. सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ कि ये फंक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं, रिकर्शन कैसे सॉल्व होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड मेथड पढ़ेंगे कि उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई होप यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट दीज फंक्शंस नाउ, एंड आई होप इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.